दूसरा जो मुझे ड्रेस इनकी तरफ से रिसीव हुआ था, ये 2 ईयर के बेबी का था और ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। आप देख सकते हैं इसकी लुक, बेबी को पहना हुआ भी बहुत ये डिसेंट लग रहा था और ये इसको वेयर करके बहुत ही ज़्यादा इजी फील कर रही थी और बहुत इजीली जो है वो चल रही थी। फ्रॉक बना हुआ था अंदरखा शेप में और साथ में इसका ट्राउज़र और दुपट्टा था और ये ईद वगैरह पर रमज़ान में बच्चों को इस तरह के ड्रेसेस वेयर किए हुए बहुत कंफर्टेबल और बहुत प्यारे लगते हैं। तो आप इनके पेज से जाके ऑर्डर कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। सो इनका पेज मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिया है, आप वहाँ जाके इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, स्टे हैप्पी, स्टे विद मी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ मैं 2 बेबी ड्रेसेस का रिव्यू शेयर करूँगी जो कि मुझे कुछ दिन पहले DM क्लोजर 10 की तरफ से रिसीव हुए थे। ड्रेसेस बहुत प्यारे, बहुत डिसेंट और बहुत ही प्यारी पैकेजिंग में रिसीव हुए थे। ड्रेसेस की कंप्लीट डिटेल आप मेरी फीड पे जाके चेक कर सकते हैं। ये इसके ओवरऑल लुक है वेयर करने के बाद, साथ में इनकी भेजी हुई पिंस भी लगाई हुई है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। आप देख सकते हैं ये दोनों ड्रेसेस कितने प्यारे, कितने डिसेंट लग रहे हैं। ऐसे ड्रेस ट्रेडिशनल इवेंट्स पे वेयर किए हुए बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारे लगते हैं। तो आगे रमज़ान आ रहा है, ईद आ रही है, तो उसके लिए आप जाकर अभी से बुकिंग करवा लें। थैंक यू सो मच ये भेजने के लिए, पेज अटैक कर लिया, जाके ऑर्डर कर लें। अल्लाह हाफिज़। पहला ड्रेस जो मुझे रिसीव हुआ था ये 4 ईयर के बेबी का था। इसकी आप लुक देख सकते हैं, ये ऊपर शर्ट थी, नीचे ट्विलिप था और साथ इसके दुपट्टा था नेट का। ये कंट्रास्ट में था और इसकी स्टिचिंग आप देख सकते हैं कितनी नीटनेस के साथ हुई है, कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। बहुत ही प्यारे और डिसेंट लग रहे थे वेयर किए हुए, कलर कंट्रास्ट भी बहुत प्यारा था। अगर आपको ऐसे बेबी ड्रेसेस की नीड है तो इनके पेज पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। इनका पेज नीचे टैग कर दिया है मैंने। अल्लाह हाफिज़।